एक ऐसे किसान से मिलवाता हूँ जो हम आज कई साल बाद मिले हैं स्टोर पे मिला करते थे। और कैसे हो? बढ़िया जी। अस्थारी जंगल में आया हूँ बहुत दिनों में। राहुल ने बुलाया था, कई दिन से राहुल का फोन जा रहा था मेरे पास। तो ये आलू अभी बो रहे हो? तो कितना बो रखा आपके? 200 बीघे अपना या ठेके भी? कुछ 100 अपनी 100 ठेके की। अच्छा, पिछले साल कितना था? 150। आपका बढ़ा दिया? हाँ जी। ऐसा कोई घटाना चाहिए? तेन बताया करें, जिस साल रेट महंगा हो बीज बेच देना चाहिए। नहीं, यो जो 2021 है इससे भी तेज रहेगी आपके। हाँ जी। अच्छा जी, पता कुछ नहीं किसानों के भाव का कारण है जी। अच्छा, 2 महीने पहले तो पुराने का स्टॉक टूट गया। अच्छा, 2 महीने में। सर, आपको जानकारी है, काफी दिन से काम कर रहे हैं। जन्मी आलू में हो आज 30 साल हो गए। सही कह रहे हैं। और जो जो क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ा। अच्छा अच्छा, बंगाल में 100 रुपये किलो बीज मिल रहा, बताओ 100 रुपये किलो में कौन किसान बोले? हाँ, वो बेचारे नु खरीद रहे हुए। बंगाल में 100 रुपये किलो बीज मिल रहा, 100 रुपये किलो, और गरीब प्रदेश है। मैं सोच रहे एक दो बीघा बोलो बीज बन जाएगा। इतना अगले साल बीज के लिए बोले, जो बोया किसी ने, गन्ने वाले ने 1 या 2 बीघा जो बोया, हाँ वो इसलिए बोया कि बीज बन जाए अगले साल हम बोले। एक बात है कि जब रेट पीटा है, जब कोई घाक नहीं होता। हाँ जी। और जब ये पुड़ियों में बिकल लगे, जब 70 घाक हो जाए। अब सरकार की भी गलती, सरकार ने जब बंदा था जब तो कुछ नहीं देखा। इस साल कही भाई स्टोर 31 तक खाली करो, बोलो तुग लगी फरमान जारी कर दिया खामा खाम। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि विदेशों से आलू आयात करती, इन्होंने सब किसान को मारने के चक्कर में, इन्होंने सोची भाई ना किसानों को मारो, कभी ना पैसे मिल जाए, 2 पैसे के चक्कर में तरह तरीके के। तो सरकार की गलती से भाव बढ़ा। हाँ जी। तो फिर तो बढ़िया रहा। सरकार ने झूठ बोल दिया। जो हमारे एक मंत्री हैं पीयूष गोयल। अच्छा। उन्होंने कहे कि भूटान से आलू आ रहा। अच्छा, छोटा देश, वो हिंदुस्तान के एक प्रदेश की पूर्ति नहीं कर सकता, देश की तो करेगा क्या? अब जब इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोल लेंगे तो बताओ। एक हमारे वो है उद्यान के अधिकारी हैं लखनऊ से। अच्छा। उन्होंने झूठ बोल दिया जी भारत में खपत का 3 गुना आलू। अच्छा। अभी अक्टूबर में मीना है कोई, उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला अधिकारी ने कि हमारे पे खपत का 3 गुना आलू है अभी। तो फिर वो है कहाँ जाओ? अब उनसे कोई योगी जी पूछे उनसे कि भाई यो झूठ ऐसा बोल रहा क्यों, उन्हें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, उस झूठ से क्या लाभ रहा किसानों को? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ जो हमारे जैसे आपके जैसे छोटे किसान थे, उन्होंने जो 100-200 पैकेट रख रखे थे अपने खर्चे के लिए सर्दी के, वो बेच दिए बेचारों ने मंदे में। आज आलू बिक रहा 2200-2400 2000, नया 2000 है क्विंटल नहीं पैकेट, 50 किलो का। 50 किलो का 2200 रुपये, नया 2000 है, चिप्सो ना 2200 है। और बीज का नहीं, खाने में मंडी खाने का इतना महंगा, बीज की तो कोई है ही नहीं आलू। नहीं, जैसे अगर ये वो बोलते कि हमारे पास नहीं है, वन से नहीं आ रहा, तो फिर क्या होता? रेट मंदा होता, घटता बढ़ता? नहीं, किसान बेचारे, किसान ना मारे जाता, व्यापारियों ने कब्जा लिया, किसानों ने बेच दिया 1500-1500। अब जो 2200 का रेट है व्यापारियों का, व्यापारियों का, किसानों का तो इन्होंने गवर्नमेंट ने जबरदस्ती बिकवा दिया, डरा के स्टोर खुलवा के, रोज अखबार में, मील वालों पे प्रेशर बना के। अच्छा, वो सब मंडी में निकाल दिया किसानों ने? डर गया किसान, अखबार से रोज ऐसा हो रहा, भूटान से आलू आ रहा, गवर्नमेंट ये करेगी। तो किसान ने क्या भाव बेचा था? वो किसान का तो 1500-1500 रुपये बिक गया दीपावली से पहले, फिर भी फतेरा मिल गया। नहीं, मिला तो है, लेकिन अगर ऐसा ना बोलते तो किसान अब लोग बेचता रहा। हाँ, किसान को भी 2000 के पैसे मिल जाते, बेचारे का भला हो जाता, सर्दी में उसका टाइम अच्छा कट जाता, खर्चे पानी की। सरकार इतनी चालाकी जानती है, पहली बार ही करा जी सरकार ने ऐसा। अच्छा, ये बोल दिया कि झूठ बोल रहा हर तरीके से, अपना माल निकाल दो किसान भाई, वरना तुम्हारा रेट डाउन हो जाएगा। जब इन्हें 31 तक स्टोर खाली करने थे, तो 15 अक्टूबर को नोटिस देना था स्टोर वालों को। अच्छा, तो आज तो किसानों पे गिरा है, छोटे आदमी पे गिरा है, बड़ों का क्या बिगड़ा है बताओ? भाई जो उद्यान के डायरेक्टर है ना, उनका कुछ बिगड़ रहा? तो किसानों ने सब नहीं बेचते फिर, डरिया उन्हें जी दीपावली पैसे हर आदमी। चलो, मैं फिर भी अच्छा रेट मिल गया, अगले साल भी अच्छा मिलेगा, सरकार से भी भगवान साथ है। सरकार अगर झूठ बोलेगी तो फिर भी नहीं, सरकार साथ नहीं है किसानों के, लेकिन भगवान साथ है। भगवान साथ है, सही कह रहे हैं आप। तो ये आपका अपना है? अपना है जी। 41 आलू में तो यही कामयाब है जी। ये जो 45 है इसका, वो भी साढ़ा सिलो पे हंटिंग करे है, आलू बोने में कामयाब नहीं हो। मैसी जो 245 है ना, नहीं बढ़िया ट्रैक्टर है, 41 भी हमारा ये चल गया। नहीं, 41 बढ़िया है, 8000 घंटे। और इसमें जो 46 है, वो 46 HP का 245 वो बढ़िया है। जो 200 आपने वो नहीं चलाया, 50 HP का 245, अगर आप उससे आलू बोलोगे ना तो एकदम उसे बेच दोगे। सर, हमारे पास है वो, ताकत बहुत है, 1000 RPM से कम पे उसके राउंड नहीं बनते। जो एक 1000 से कम पे तो वो झटके मारा है। मैं चला गया फोपुंडे की तरफ, वहाँ बहुत ट्रैक्टर है इधर,
तो उन्होंने क्या करा, सिलो पे ज्यादातर आड़ू की मशीन पे सिलो पे चलता है ट्रैक्टर, तो वो सिलो पे नुकड़ता घुड़ 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 सिलो पे झटके दे वो 700 RPM पे, तो आड़ू जो थे वे मशीन झटके ले रही थी एक जगह ज्यादा, तो वो झटके ले, हमारे पास वही है ताकत बहुत है लेकिन यही कमी झटके लेता है। जो मैसी 245/46 HP का जिसका उल्ली इस साइड में सलेंसर है वो तो बहुत बढ़िया आवाज़ देता है। हाँ 245 ये भी बढ़िया देता है, 10-35 की आवाज़ बढ़िया, हाँ ये ज़्यादा बढ़िया। लेकिन जो इसमें 50 HP का इन्होंने 72-50 और 52-45 वाला इंजन रख दिया ना 45 में, वो आड़ू बोने का मतलब का नहीं है। आप उसे ट्रोली लेके चलो, गन्ने लेके या लेके आ रहे हो, सिलो तो करना पड़ी है, वो झटके मारने लगा झुड़क 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 फोड़ वाला हिसाब है, वो ट्रैक्टर फेल है मैसी वालों का, सिर्फ सिलो पे फेल है वो, मैं न्यू नहीं कर, ताकत बहुत है, लोड नहीं मानता। अपने यूट्यूब साल वालों को एक संदेश भेज दो कि साल मेहनत करे। अच्छा आप ही बता दो, किसान भाई हो, बहुत पुराने किसान हैं, 200 बीघा आड़ू बो रखा, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बताओ जरा क्या बता रहे हो किसानों के लिए। हाँ किसान भाई हो, मेरा ये संदेश है आपके लिए कि इस साल अच्छी मेहनत करे, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और अपनी देखभाल रखे, पाले की ज़्यादा संभावना है तो इसलिए अपना समय समय पर पाले में कौन सी दवाई इस्तेमाल करी और बता दो, देखो हर आदमी को बेचारे की जांच नहीं, दवाई तो पाले की बस पानी है और तो कोई नहीं है, लेकिन ये है अपना हर आदमी को पता कि वह आज पाड़ा पड़ेगा, मतलब तो पानी हल्का दें, हल्की हल्की सिंचाई करती रहे मैं, तीसरे चौथे दिन जमीन अगर रेत वाली जमीन है तो तीसरे चौथे दिन, अगर आपकी जमीन काली मिट्टी है टाइट है तो उसमें एक हफ्ते में मतलब नमी बनी रहनी चाहिए, इस साल बर्फ ही पड़ेगी और कोई नुकसान नहीं होना। जैसे आपके पानी मांग रहे हैं अभी फिलहाल, अभी तीनों को नुकसान नहीं पड़ा, अभी इतने छोटे आलू में तो पाले से नुकसान नहीं होता। अच्छा बड़ों में हो, बड़ों में नुकसान ज्यादा हो, ये तो झेल जाओगे इसमें तो फुटेर आ जाओगे दोबारे से, अगर बाई दिवे पाला पड़ भी जा, पहले तो पाला पड़े नहीं इस टाइम में। अच्छा अच्छा अभी 15 दिसंबर के आसपास, दिसंबर के बाद में, दिसंबर में ही आऊंगा, क्योंकि जब दिन का टेम्परेचर 15 से नीचे आ जाएगा जब भी पाले की संभावना ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, आप तो आलू के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो जी, आपका एवरेज कितना आ जाए अभी गेम टोटल 200 के 200 बीघा अगर एवरेज निकाला जाए? 60 पैकेट का आ जाए, 60 पैकेट का। लेकिन हम उसमें 4 तो स्प्रे करें, 4 बार 4 स्प्रे हम करें, ब्लाइट हो या ना हो तो भी करते हो? जैसे हमने अभी एंट्राकोल एक दवाई, अच्छा NPK है, इन्हें मिला के एक मच्छर की आवे मीडा, तो एक स्प्रे तो अभी हमें करना पड़ेगा शुरू में, उसके बाद फिर मौसम के जैसे कोहरा वगैरह फिर उसी हिसाब से स्प्रे आप करते रहेंगे। अच्छा इसके बाद में और क्या क्या डाल, डाई कितनी डालते हो बोने में? इस साल तो हमने 1 बीघे में 1 कट्टा, आधा कट्टा पोटाश, 1 कट्टा डाई, पिछले साल हम डाल रहे थे 4 DAP और 10 kg पोटाश। तो यो इतनी क्यों बढ़ा दी DAP की मात्रा? एक तो हमने वेराइटी बदल दी, चिप्सोना वेराइटी को खाद ज़्यादा चाहिए। अच्छा। पहले हमारा सीड का काम था, अब हम सब्जी वाला आलू मतलब, तो सीड का फायदा नहीं है? सीड के में नाफा, सीड में 3-4 साल सीड तो बिकाई नहीं, ये मोटा तो फिर भी बिक गया। अच्छा सीड तो आपके स्टोरों में रहेगी। अच्छा अच्छा, जैसे पिछले साल भी था 400-500 रुपये के रेट मिले मोटे के, लेकिन सीड नहीं बिका, सीड स्टोरों में रहेगी। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा नुकसान सीड किसान को हुआ है 4 सालों में। तो बता सब्जी का ठीक है? सब्जी का ज्यादा अच्छा है इसमें, तो हमारे यहाँ 37-97 बो हैं, हमारे यहाँ चिप्सोना भी, चिप्सोना चल पड़ा 50% चिप्सोना हो गया हमारे यहाँ, चिप्सोना हाँ चल पड़ा, और 25% ख्याति। अच्छा 37 तो हमारे यहाँ अगले साल शायद खत्म ही हो जाए। अच्छा क्योंकि इसका प्रोडक्शन नहीं है, इनके 60-70 दिन में तो तैयार हो जाए वेराइटी हाईब्रिड। अच्छा प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। अच्छा जो महंगे में से कोई देखता नहीं, महंगे में तो आलू चाहिए, उसमें वेराइटी नहीं चाहिए, महंगे में आलू हो बस, आलू चाहिए, नहीं मंदे में तो चिप्सोना भी चाहिए, फ्राई सोना चाहिए, एवरेज बढ़ना चाहिए किसान का पैदावार, तो पैदावार से मतलब 40 कट्टे हो जाए, 60 कट्टे हो जाए वो बढ़िया। आलू के इतिहास में 2000 रुपये का पैकेट पहली बार बिक रहा है, आज तक हुआ ही नहीं इतिहास में। सही कह रहे हो, लेकिन आया बहुत दिनों में नंबर ही, अगले साल 2021 भी ऐसे ही रहेगी। चलो आगे का तो भविष्य का पता नहीं, भविष्य का है ना, लेकिन ये जो नंबर आया बहुत दिनों में आया। अगर पिछले साल लॉकडाउन ना होता तो आलू 100 रुपये किलो बिकता, अब तो 50 रुपये बिक रहा मार्केट में। अगर लॉकडाउन 3 महीने का ना होता, ये आपके समोसे वाले, बेकरी वाले, पेटीज वाले, सब होटल वगैरह बंद थे, तो इस वजह से आलू में नहीं। एक बात बताओ, आलू महंगा क्यों हुआ? यो पिछले साल पाड़े में मरा, बारिश की जो ज़्यादा पड़ी उससे पैदावार घटी, क्या कारण हुआ? ये पिछले मंदे के साल में क्षेत्रफल घटता चला गया। अच्छा लोगों ने बोना कम कर दिया, पिछले साल इतना क्षेत्रफल घट गया, ना तो सरकार को पता चला और ना ही किसान को पता चला। सर पता तो जब फसल में लग गया था 1000 रुपये पैकेट बिक रहा था, जब भी पता था सबको कि आलू तेज हो गया, क्योंकि स्टोरों में 60% स्टोर हुए। पिछले साल हमारे पास 150 लाख मीट्रिक टन आलू था 2018 में, और उसमें 19 में, 2020 में हमारे पास 98 लाख टन आलू था।
तो जब ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, सरकार ने करा थोड़ा ये कुछ? जब सरकार को पता चल गया था भाई ऐसी स्थिति होगी, स्टोरों में आने के बाद तो सारी स्थिति अल्ट्रासाउंड हो जा लूगा। सही कह रहे, स्टोर में आने के बाद तो सरकार में सारा रिकॉर्ड हो जाए, खेत में तो आप नहीं बता सकते। ये तो सरकार की कमी रही, उसे पहले से ही ध्यान देना चाहिए था, अब भी ध्यान नहीं दिया उसने किसानों के लिए। ना कोई सब्सिडी या खाद और महंगा कर दिया, 1100 की बजाय 1200 की डीएपी मिलने लगी आलू के समय में। अब यूरिया की समस्या, यूरिया मिल नहीं रहा, बेचते नहीं बिना आधार कार्ड के नहीं देते कभी, मतलब स्टॉक करके फिर अभी जब शॉर्टेज आ जाओगी 300 रुपये। सरकार का कोई शिकंजा नहीं है? ये जो व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं, पहले बताया करे थे उनके, सरकार का तो है जो अधिकारी है भ्रष्ट है नीचे। अच्छा, जैसे छापा मारे नकली वाले वो पकड़े, उनसे पैसे ले में वे फिर बच जाओ साल दो साल में, अन्नी तुरंत एक्शन हो आपने जब मौके में पकड़ा नकली खाद है। हाँ, जैसे कई बार योगी सरकार में पन्नी बंद हुई, बैन लगा फिर बिक्री है, फैक्ट्री बंद करें, पुलिस वालों ने डंडा बजा के दुकानदार से पैसे ऐंठ लिए, धीरे धीरे सब काम फिर चल गया। हाँ, तो ऊपर से ही सिस्टम खराब है। तो ये तो एक किस्म से मान लो निचले वालों का कमाई का एक धंधा है, जिस चीज़ पे बैन लगाएंगे उस पर कमाई शुरू हो जा। कार्रवाई करें उन पे, मिट्टी पे, मिट्टी खोदने पे बैन है, है ना? अभी मान लिया खेत है, कोई मट्टी उठवान लगा किसान, होम गार्ड वाला भी आगा, वो भी आंख से घुमाओगा, 500 रुपये ले जाएगा। 500 रुपये देते ही वो लीगल है काम, फिर असली हो जाओ ओरिजिनल। कुछ गांव के दलाल हैं, वे फोन कर दें इनको, भैया देखो वहाँ मट्टी खुदरी, पुलिस वाले आम है वो गाड़ी, वे उन्हें पैसे मिल जाए, उन्हें दावत मिल जाए जी, तो उसकी तहसील की रसीद नहीं कटती, सरकार तक नहीं पहुँचता वो पैसा, ये बीच में सेटिंग करके अपना खा। सरकार की रसीद कटवाएं, जो भी तहसील का राजस्व है उसे दे, में उसे वहाँ नहीं जाता, रसीद कटते हैं उसकी, भाई तुम्हारे पे इतना है 2000-5000 सरकार के खाते में तो जावे, वहाँ नहीं जाता जी। सब पटवारी सेटिंग कर लेगा, सब पटवारी सबको पैसे चाहिए, पुलिस वाले सेटिंग कर ले, पुलिस को भी पटवारी को भी, कोई एक आधा और आ जाओगा बस उन्हें पैसे चाहिए। ये चक्कर सरकार कानून तो बना रही है लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, बीच के पड़ रहे हैं, बीच वाले पड़ रहे जी, बीच में ज्यादा मिस्टेक है, इतने बीच वाला मामला नहीं सुधरे, यो नहीं खत्म होगा। तो भाइयों, आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी, जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इन भाई का थोड़ा परिचय रह गया था, थोड़ा आप परिचय दे दो अपना। मेरा नाम कपिल देव, आलू किसान, ग्राम जेवरी, जिला मेरठ। अगर कोई भाई आपसे जानकारी लेना चाहे अपना नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है 9837925150, 9837925150। तो भाइयों, कपिल भाई से आप इस नंबर पर संपर्क करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, आलू संबंधी, खेती संबंधी, कोई भी जानकारी, खेती संबंधी। नमस्कार।